योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक 3 घंटे में कर दिए 13 बड़े ऐलान। हिल गया यूपी। नई दिल्ली, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में भी पहली कैबिनेट बैठक की तरह ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों को 24 घंटे और गाँव में 18 घंटे। नई दिल्ली, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में भी पहली कैबिनेट बैठक की तरह ही कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों को 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। सूबे में बिजली की व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ ही योगी सरकार ने किसानों और गरीबों के हितों में भी आज कई बड़े फैसले लिए हैं। सीएम योगी सेकंड कैबिनेट मीटिंग। योगी कैबिनेट के बड़े फैसले। योगी कैबिनेट ने जो सबसे बड़े ऐलान किए हैं उनमें धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10,000 से ज्यादा का भुगतान किश्तों में करने की छूट के अलावा आलू खरीद केंद्र बनाने और गन्ना किसानों को 14 दिन में पैसा देने का आदेश दिया गया है। इन दो फैसलों के अतिरिक्त योगी सरकार ने राज्य विकास प्राधिकरणों का कैसे ऑडिट का रास्ता भी साफ कर दिया है। इसके साथ ही 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ऐलान भी किया गया है, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 40,000 स्टूडेंट को ये फायदा देगी योगी सरकार। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने कहा है कि 2012 में लोक सेवा आयोग में पीसीएस की परीक्षा में सीसेट पैटर्न लागू करने के बाद पीसीएस की परीक्षा देने के लिए आयु सीमा 35 सेकंड बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन उम्र सीमा में 35 सेकंड 40 वर्ष की यह छूट 2013 में छात्रों को मिली थी, लेकिन अब 2013 सेकंड 2016 तक की अवधि में ओवरएज हो चुके लगभग 40,000 स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 2 करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों का 1,00,000 रुपये तक का कर्जा माफ करने का फैसला लिया था। योगी सरकार के इस फैसले का इंतजार किसानों को वर्षों से था। पीएम योगी ने भी चुनावी रैली के दौरान किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, जिसे योगी ने पहली ही कैबिनेट बैठक में पूरा किया।